सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल तोड़े सारे दा ये काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमकॉम की, कहां से सीजीसी लैंड रखी। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए जो एडमिशन सेशन है ऑलमोस्ट सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लोज हो चुका है, बट अभी भी बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया हमको एमकॉम में एडमिशन लेनी है, हमारे जो बीकॉम में या बैचलर्स डिग्री में मार्क्स भी कम आ गए हैं तो हमको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, या बहुत सारे बच्चों को बजट कॉलेज में एडमिशन चाहिए जहां पे पढ़ाई तो अच्छी मिले बट पैसा कम लगे और प्लेसमेंट भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, प्लेसमेंट के भी चांसेस हमारे थोड़ी बहुत बन जाए। तो आपके लिए कुछ खबरें ले आ चुके हैं कि मतलब एक ही ऐसा कॉलेज है जहां पे अभी भी एडमिशन चल रही है 2024 के लिए जो बजट में रहने वाला है, वो है सीजीसी लांड्रा। बाकी सभी जो बजट कॉलेज थे या नॉर्मल लेवल के छोटे कॉलेज थे वहाँ पे सीट्स फुल हो चुकी हैं या आपको एडमिशन क्लोज हो चुकी है, बट सीजीसी लांड्रा में अभी भी एडमिशन चल रही है तो आप चाहे तो एमकॉम में अभी भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सीजीसी लांड्रा कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे है, क्या है, कैसे एडमिशन मिलेगी, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, कितना खर्चा आएगा, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो सीजीसी लांड्रा एडमिशन से या कॉलेज रिव्यू या प्लेसमेंट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन बच्चों को नहीं पता सीजीसी की फुल फॉर्म क्या है, सीजीसी की फुल फॉर्म है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके अंदर दो कैंपस आते हैं सीजीसी लांड्रा और सीजीसी झंझेड़ी। सीजीसी लांड्रा है जो सीजीसी का सबसे पुराना कैंपस है, 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, तो लगभग 23 साल पुराना कैंपस है, जिसके अंदर 50 से भी ज्यादा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम है जो ऑफर किए जाते हैं। 2024 की एडमिशन अभी भी यहाँ पे चल रही है। और जो दूसरा कैंपस है वो है सीजीसी झंझेड़ी, जो कि 2012 का एस्टैब्लिशमेंट है। लांड्रा एक विलेज का नाम है जहाँ पे सीजीसी का कैंपस है, इसलिए इसको बोला जाता है सीजीसी लांड्रा। झंझेड़ी एक विलेज का नाम है, इसलिए इसको बोला जाता है सीजीसी झंझेड़ी। नैक की ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ठीक है, यूजीसी अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, उसके बाद नैक की ए प्लस है, तो आपको सारे यहाँ पे जितने भी अप्रूवल वगैरह सब देखने को मिल जाते हैं। जो प्रोग्राम है यहाँ पे ऑफर, अगर बात करें प्लेसमेंट की बात करें तो 9000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर है, 54 LPA का हाईएस्ट पैकेज है, 50 से भी ज्यादा ग्लोबल अलायंस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी लाजवाब आपको देखने को मिलता है। इतना लाजवाब प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा मतलब पूरे पंजाब में या पूरे इंडिया में सबसे बजट में जो इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो सीजीसी लांड्रा में ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट के प्रोग्राम है, होटल मैनेजमेंट है, बायोटेक है, फार्मेसी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कॉमर्स है। कॉमर्स के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली कॉमर्स के अंदर दो प्रोग्राम आते हैं, बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम, उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस है। तो ये सारे प्रोग्राम है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एमकॉम के बारे में, तो उसके बारे में देख लेंगे। एडमिशन के ऊपर आके आप 2023-24 के एडमिशन के बारे में देख सकते हो, स्कॉलरशिप्स के बारे में देख सकते हो। हम यहाँ पे बात करने वाले कॉमर्स के, तो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कॉमर्स का पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पे कॉमर्स में ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले आता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 3 साल का रहता है, ठीक है, जिसमें आप मतलब बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कर सकते हो, ऑनर्स इसमें भी एडमिशन चालू है, 2-4 सीट्स ही बची हुई है। तो अगर किसी को बीकॉम में भी एडमिशन लेनी है, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए भी आप एडमिशन है जो ले सकते हो। 3 साल का कोर्स रहने वाला, टोटल 6 सेमेस्टर रहेंगे। उसके बाद है जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, 2 साल का कोर्स रहेगा आपका, जिसकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एमकॉम की, तो एमकॉम का जो कोर्स है आपका 2 साल करेगा, टोटल 4 सेमेस्टर इसमें जो रहने वाले हैं। प्रोग्राम देखो यहाँ पे 55 से ज्यादा प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, 13,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 50,000 से भी यहाँ पे बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है, उसके बाद 50 से भी ज्यादा ग्लोबल अलायंस है, तो बहुत ज्यादा अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। उसके बाद अगर हम बात करें बीकॉम की और ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं, आप यहाँ बीकॉम के ऊपर क्लिक करोगे, बीकॉम के ऊपर क्लिक करते आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी कि आपको बीकॉम क्यों करना चाहिए, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहने वाली है एमकॉम बीकॉम एमकॉम करने के बाद। तो अगर आप एमकॉम कर लेते हैं तो मास्टर्स के बाद तो आपको काफी अच्छी प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती है। आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जा सकते हो, बड़ी बड़ी फर्म्स में फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर सकते हो, उसके बाद टैक्सेशन की जो चीजें हैं वो कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, एकेडमिक मतलब पढ़ा सकते हो या रिसर्च कर सकते हो, नॉन प्रॉफिट एनजीओ में जा सकते हो, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो काफी अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है जो मिल जाती है जब आप अपनी एमकॉम है जो कंप्लीट कर लेते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का कोर्स रहेगा, टोटल 4 सेमेस्टर रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलती है, कोई एग्जाम नहीं देना, डायरेक्टली आपकी जो बैचलर्स डिग्री है उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाती है। जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमकॉम में, उनके पास ठीक है कॉमर्स फील्ड में या मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर में किसी भी एक में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मतलब या तो आपके पास कॉमर्स में या मैनेजमेंट में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इनमें से किसी भी एक में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए।
तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं और आपके पास कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, बैचलर्स की डिग्री है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो एमकॉम में। कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं करना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर आपकी एडमिशन यहाँ पे डन हो जाएगी। सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, समझ आ गया। अब आपको एडमिशन प्रोसेस बताता हूं, तो एडमिशन प्रोसेस है जो 3 स्टेप का रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अपना जो गूगल फॉर्म है वो फिल करेंगे एडमिशन के लिए। पूरी डिटेल वगैरह डाल के आपको सबमिट कर देना, जैसे आप सबमिट कर देंगे आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या होगा कि आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाएगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हुए हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आप एलिजिबल रहते हैं एडमिशन के लिए तो आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, फिर आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया और आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो आपको ये लास्ट डेट है, इस डेट से पहले पहले आपको अपनी पूरी फीस पेमेंट है जो कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिससे आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी और आपकी एडमिशन डन हो जाएगी। सिंपल से यही 3 प्रोसेस है। क्या है, सबसे पहले फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फीस दो और आपकी एडमिशन डन है। कुछ एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं करना, और जो है जो अपना एडमिशन प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लेता है, मतलब ये 3 स्टेप पहले कंप्लीट कर लेता है, उसको एडमिशन मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपके मार्क्स आ गए हैं, किसी के कम है, तो जो पहले एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा उसकी एडमिशन डन हो जाएगी। जैसे ही सीट्स फुल हो जाएगी एडमिशन क्लोज हो जाएगी। सीट्स लिमिटेड रहती है, तो ऐसा नहीं है कि सबको एडमिशन मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, सीट्स लिमिटेड रहती है। अभी सीट्स खाली है इसलिए एडमिशन चल रही है, कल सीट्स फुल होगी तो कल के कल एडमिशन है जो बंद हो जाएगी। लास्ट के वैसे भी 4-5 दिन ही बचे हुए हैं एडमिशन के लिए, उसके बाद जो बैच 2 है स्टार्ट हो जाएगा। एक बार बैच स्टार्ट हो गया तो किसी को भी एडमिशन है जो नहीं मिलने वाली। तो डायरेक्ट लिंक्स वगैरह सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं जिसके थ्रू आप फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट वगैरह है आपको किसी भी अनऑफिशियल सोर्स वगैरह पे नहीं करनी है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखें, जो फीस पेमेंट है वो आपको सीजीसी लांड्रा की ऑफिशियल वेबसाइट, देखो ये सीजीसी लांड्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आपकी करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना पे ऑनलाइन फीस, तो अगर आपको फीस पेमेंट करनी है तो आप यहीं पे करें, यहाँ पे जाके अपना रोल नंबर डालें, अपना कॉलेज सिलेक्ट करें, ठीक है, कौन से कॉलेज में आप फीस पे करना चाहते हो उसके वैलिडेट करके अपना इंक्वायरी नंबर डाल के अपनी जो एडमिशन मतलब आपको फीस पेमेंट करनी है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, अगर आपको कोई काउंसलर कह रहा है कि यहाँ पेमेंट कर दो वहाँ पेमेंट कर दो, आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप इनकी ऑफिशियल जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो फीस पेमेंट करने से पहले, तो ठीक है। उसके बाद अगर अगली बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट देखो यार, जो एमकॉम, बीकॉम और एमकॉम है ना, ये कोर ब्रांचेज है, तो इनमें प्लेसमेंट वैसे ही कम रहती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी, तो नो डाउट आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बड़े बड़े टॉप रिक्रूटर जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, मुथूट फाइनेंस बैंक, Naukri.com, Practo, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती है। तो बट आपको यहाँ पे जो पैकेज की रेंज देखने को मिलने वाली है वो आपको 3 लाख से लेकर 10 लाख तक ही देखने को मिलने वाली है। जो हाईएस्ट पैकेज है अगर हम बात करें एमकॉम बीकॉम के लिए, तो आपको 10 से 12 लाख का ही देखने को मिलता है। एवरेज जो एवरेज पैकेज है वो 4 से 5 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनीज भी कमी आने वाली है, 40 से 50 कंपनीज आप प्लेसमेंट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें से अगर आप प्लेसमेंट निकाल पाओगे तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं निकाल पाओगे तो नहीं होगी। प्लेसमेंट में थोड़ी डिफिकल्टी आपको आने वाली है क्योंकि जो एमकॉम और बीकॉम ब्रांचेज है ये थोड़ी कोर ब्रांचेज है, इसमें प्लेसमेंट क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू जो दूसरी ब्रांचेज रहती है। बट नो डाउट आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आने वाली है, जैसे कि एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज। अब इनका है जो क्या बोलते हैं प्लेसमेंट का इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि देखो जो ये है ना सीजीसी लांड्रा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको आपको सबको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा, तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और सीजीसी के मालिक है वो दोनों मतलब एक ही इंसान है, इसलिए जो यहाँ का प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। तो जितनी भी कंपनी एमकॉम बीकॉम के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आने वाली है, वही सेम कंपनी में जो सीजीसी लांड्रा और सीजीसी झंझेड़ी है दोनों कैंपस के बच्चे भी बैठते हैं उसमें अलाउड होते हैं, तो आपको सेम मौका दिया जाएगा। जितने भी मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कंपनी आएगी उन सभी कंपनी में आपको भी बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा और आप कोई अच्छी कंपनी का एग्जाम क्लियर कर पाओगे तो आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से जो पैकेज मिल जाएगा। एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे तो कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। 3 लाख का क्लियर करोगे तो 3 लाख की मिलेगी, 4 की 5 की, तो 10-12 तक आपको ऑफर है जो मिल जाएगा, मतलब 10-12 लाख तक की कंपनी यहाँ पे जो पैकेज ऑफर कर रही है वो आ रही है। तो अगर आप वो क्रैक कर पाओगे तो आपको वो पैकेज भी मिल जाएगा। खर्चे की बात करें तो लगभग 2 साल का कोर्स है, टोटल 4 सेमेस्टर रहने वाले हैं, जिसमें अगर हम एकेडमिक फीस की बात करें तो लगभग 2 लाख रुपए, मतलब 1,80,000 के आसपास आपकी एकेडमिक फीस है। तो हम मोटा मोटा 2 लाख लगा लेते हैं, 2 साल का 2 लाख रुपए आपकी एकेडमिक फीस हो गई, 2 लाख रुपए आपके हॉस्टल के रहेंगे, तो लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए में आपकी टोटल यहाँ पे बीकॉम या एमकॉम दोनों ही कोर्सेज है, मतलब बीकॉम तो नहीं एमकॉम आपकी टोटल है जो 4 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। बीकॉम का खर्चा लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए रहता है, जो कि 3 साल का आपका कोर्स रहेगा जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो एमकॉम का जो खर्चा है लगभग वो 4 लाख रहने वाला है, जिसमें आपका खाना पीना रहना सब इंक्लूड करके, प्लेसमेंट सब इंक्लूड करके आपकी जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट रिव्यू यहाँ के बारे में। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप है जो सीजीसी लांड्रा में कोई भी ऑफर नहीं की जाती है। अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यहाँ पे आप अवेल कर सकते हो, तो लेकिन जो सीजीसी लांड्रा की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जाती। तो जो मैंने आपको खर्चा बताया वो मिनिमम आपका खर्चा होने वाला है। इनमें से आप जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कि अगर आप इनमें से किसी स्कीम के अंदर आते हो और आपको वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफर कर रही है तो सीजीसी लांड्रा वो स्कॉलरशिप आपको दे देगी, बट सीजीसी लांड्रा की तरफ से पर्टिकुलरली कोई स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जाती।
तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू सीजीसी लांड्रा के बारे में। एडमिशन ओपन है, लास्ट के 3-4 दिन बचे हुए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विस के बेसिस के ऊपर एडमिशन होती है, तो इसको भी एडमिशन लेनी है जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपने फॉर्म्स भर सकते हो, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, उसके बाद मैंने अपनी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, फिर भी कोई डाउट है तो आप उनको कॉल करके वो सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।